ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्री यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहाय। So let us continue our study of the messages of Revered Swami Sivananda Ji Maharaj, who was also known as Mahapurush Maharaj. So it was in Belur Math, May 23rd, 1930, 23 May 1930. It was the month of May and the weather was quite warm. Mahapurush Ji often suffered from insomnia at night. So, ab to jante hain kaise Kolkata mein गर्मी के समय बहुत गर्म हो जाता है। मई महीने महापुरुष जी रात ठीक नींद जा नहीं पा रहा था, तो सुबह से फिर भी ज़्यादा दिक्कत होता था उनको, क्योंकि जल्दी उठने का अभ्यास है, रात भर नींद नहीं हुआ, सब कारण से उनका थोड़ा दिक्कत होता था। He felt worse during early hours of the morning. For this reason, he would talk to people seated right on his bed. बिस्तर में बैठ के वो बात करते थे इस कारण से। Finishing his breakfast that morning, he walked a little on the veranda upstairs. It was painful for him to talk, still he was trying to walk in order to keep up the practice. कदो चलना दिक्कत हो रहा था, फिर भी अभ्यास रखने के लिए थोड़ा वरांडा में वो महाराज टहल रहे थे। उसके बाद थोड़ा थकावट आया, एक चेयर में बैठ गए। उसके बाद उन्होंने अपना घर आए थोड़ा रेस्ट करने के लिए। धीरे 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 उन्होंने महाराज जी वापस आ रहे थे। वापस आके फिर बिस्तर में बैठ गए। देखो ये शरीर कितने कितने उनका कितना कितना दिक्कत है, थोड़ा चलने में भी इतना दिक्कत हो रहा है, मैं तो बिल्कुल एक इनवैलिड हो गया हूँ, सब माँ की खेल है। ये शरीर एक समय कितना करता था, कितना पहाड़ पर्वत चढ़ना, ऐसा कोई ही दिक्कत नहीं रहता, अभी कितना दिक्कत हो रहा है, मैं तो अभी नीचे चलना छोड़ ही दिया। कहते महापुरुष महाराज फर्स्ट फ्लोर में उनका कक्ष था, वहाँ से ही नीचे आना ही छोड़ दिए थे, वहाँ ही बैठ के जो देखना बात करना सब वहाँ से उनका होता था। मैंने तो कितनी जगह में घूम घूम के वापस आए थे, बहुत सारे जगह में मैं ऐसे घूमना मेरा अभ्यास भी था, चले भी पहले, अभी तो बिल्कुल चलना फिरना बंद ही हो गया, क्या करो, जी महाराज बोल रहे थे। फिर भी ठाकुर की इच्छा, मैं तो बहुत जगह देख भी लिया, कहाँ भी अभी जाने का मन भी नहीं करता है, कहाँ जाने की जरूरत भी नहीं है अभी। The master has effaced my mind, the desire to travel back and forth. ऐसे घूमना ऐसे इच्छा ही ठाकुर पूरा मेरा मन से साफ कर दिया, बिल्कुल मेरा मन में ऐसे कोई इच्छा नहीं है, कोई ऐसा इच्छा ही नहीं है। जिस तरीका ठाकुर रखेंगे, जहाँ भी रखेंगे, मैं उसमें संतुष्ट हूँ, खुशी हूँ, क्योंकि बाहर का जो जाना आना काम दाम कम हो गया, अंदर का सब बढ़ गया। जैसे आप क्यों इतना हम लोग बाहर घूमते रहते हैं, अंदर का मन चंचल है, मन की चंचलता के ढकने के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा घूमते रहते हैं, दिखाते हैं बहुत व्यस्त है, बहुत काम करते हैं, लेकिन सचमुच में इसके अंदर क्या है, मन का थोड़ा वो जो चंचल स्वभाव, कुछ नहीं कर पा रहा है, कुछ इधर उधर जाने के लिए हमेशा मन करता है। धीरे 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 जब भी आप अंतर्मुख हो जाए, बाहर चलना फिरना बंद हो जाएगा हमेशा ही। हाँ, बंगला में बहुत सुंदर गान है, अपना थे अपने थे के मन, आपसे मन आप रहो अच्छे से, ऐसे कोई सुंदर गान है, किसी के घर मत जाना, ऐसे मन का
संवाद देते हैं, संदेश देते हैं, शरा देते हैं, ऐसे गान भी है। अभी तो जैसे मैं अंदर जगत में प्रवेश कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, मैं बहुत ही आध्यात्मिक दिशा में आगे बढ़ पा रहा हूँ, जल्द से जल्द आगे जा रहा हूँ। ठाकुर कृपा करके बहुत कुछ उन्होंने दिखाया। इस शरीर मन, इसके शरीर मन बुद्धि के पीछे जो सत्य है, जो तत्व है, ठाकुर कृपा करके मैंने उन्होंने खुद ही दिखाया। अभी ये प्राण की जो संचालन अंदर बहुत तेज़ी से चल रहा है, ठाकुर बहुत कृपा करके इतनी अनुभूतियाँ मेरा दे रहे हैं, तो शास्त्र में जो कहा गया सब अनुभूतियाँ मैं जरूर अभी अनुभव कर रहा हूँ। मैं तो शरीर में नहीं हूँ, जो शरीर का जो चेतरिका जो परिणाम जो होता है, जन्म बड़ा बड़ा इसकी सब वृद्धा उस्ता मरण रोग वगैरह सब तो शरीर का होता है, लेकिन मैं तो शरीर नहीं हूँ, इसीलिए मैं सब बिल्कुल मेरा कोई सब में मैं लेना देना नहीं है। आई एम द इटर्नल सुप्रीम बीइंग एवर प्योर इल्यूमिन एंड फ्री। मैं तो शुद्ध सत्व हमेशा मुक्त आत्मा हूँ। डॉक्टर मेरा एक ज्ञान पूरा मात्रा में मेरा दे दिया, इसलिए शरीर अच्छा है भी क्या है, बीमार है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। शरीर तो अपना नियम अनुसार चलता रहेगा, लेकिन मैं उसी से बिल्कुल प्रभावित नहीं हूँ। तो पहले बहुत प्रयास करके जो मेरा आध्यात्मिक अनुभूतियाँ मिलता था, अभी सब बहुत सहज उपाय से मेरा मिल रहा है, बहुत सहज से मिल रहा है, अनायास से मिल रहा है। क्यों? ठाकुर की कृपा से ऐसी उच्च सब आध्यात्मिक अनुभूतियाँ मेरा हमेशा ही मिलता रहता है, बिना प्रयास अब बोल सकते हो। उन्होंने साफ कर दिया कैसे जो अमरत्व प्राप्त करना क्या है, अमरत्व की जगह क्या है, कहाँ है, उन्होंने मेरे बता दिया। ये सब देश काल, ये सब मनुष्य सब तो ये परिवर्तनशील जगत के साथ जुड़े हुए, लेकिन मन संपूर्ण रूप से शांत होकर ध्यान में डूब जाता है, देन ऐसा किसी मन अनुभव नहीं करता है। जगह समय कोई मनुष्य के प्रति किसी के साथ कोई संपर्क नहीं रहता है, मन हमेशा अंदर ही ऐसी कोई स्थित अवस्था में रहता है। मैं अलवर में सब रहा करता था, उसमें बहुत सुंदर सुंदर हिमालय पर्वत में बहुत सुंदर जगह देखने का मेरा मौका मिला था। सिर्फ साधन के लिए बहुत ही प्रशस्त जगह है, वहाँ जो प्राकृतिक दृश्य है उसकी कोई तुलना नहीं है। वे सब जगह में बैठते ही मन अंदर चला जाता था। वे सब जगह ध्यान करते समय मैं देख रहा था, अनुभव कर रहा था, जैसे ही मन का अंदर जाने के कोई मैं प्रयास किया, तुरंत बाहर की जगत, पेड़ पर्वत, नदियाँ, पानी, गर्म शीत, कुछ भी ठंड, कुछ भी अनुभव नहीं कर रहा था। तो बाहर क्या है, शरीर तो बाहर तो छोड़ दीजिए, सबको जितनी प्यारा चीज़ है अपना शरीर, वो भी बिल्कुल मैं अनुभव नहीं कर रहा था, शरीर का भी मेरा भाव नहीं रहता था। तो जैसे ही आपके अंदर का एक बार अनुभव आ गया, भगवान की जो चरण में जो प्यार, उसका क्या तुलना है, क्या क्या जो अनंत, जो असीमित सुंदरता, उसके साथ बाहर का जगत कुछ भी नहीं है। इसलिए आप अंदर जगत का, भगवान के चरण का जो आनंद अनुभव ले लिया, आपको तो मन कैसे बाहर का जगत में किसी वक्त छोड़ नहीं रहेगा, बाहर का जगत किसी वक्त उसका कोई आकर्षण नहीं करेगा। एक बार आप अनंत का अनुभव, आनंद आप ले लिया, आपका उसका कोई स्वाद मिल गया, आप धरती पे जितनी भी सुख है बिल्कुल आपका कुछ भी असर नहीं करेगा, आप बिल्कुल तुच्छ आपका लगेगा। दैट विच इज इन्फिनिट इज अलोन ब्लिस,
देयर इज नो जॉय इन थिंग्स फाइनाइट। जो अनंत में, वहाँ आप अखंड में, अनंत में आपकी सचमुच आनंद है। जो सीमित जगत में आपका कोई ही सचमुच कोई आनंद नहीं है, क्यों? ये आनंद का स्वरूप ही है, आनंद स्वरूप। तो ये जगत में भी भगवान वही अनंत आनंद की एक सामान्य अंश, ये चांद, सूरज, तारा, तारागण सब इसमें, जितनी जगत में आप देख पा रहे हैं ना, ये सबके अंदर जो सुंदरता, थोड़ा भी आनंद के आभास देख पा रहे हैं, ये सब वही अनंत आनंद की एक सामान्य प्रतिभा है, उसका एक प्रतिफलन है, रिफ्लेक्शन है। द रेस्ट रिमेन्स, सो बाकी सब तो अनंत का जब अनमैनिफेस्ट अव्यक्त अवस्था में रहता है। वन फोर्थ ऑफ द प्रिंसिपल इज रिजल्ट इन दिस यूनिवर्स, वेयर थ्री फोर्थ रिमेन्स अनडिफरेंशिएट। पौलोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतं दिवि, चार भाग में एक भाग ही ऐसे व्यक्त जगत में, मैनिफेस्टेड वर्ल्ड में हम लोग देख पा रहे हैं, बाकी सब तो अव्यक्त व अनमैनिफेस्टेड रह गया। इसमें इसका अर्थ क्या है? ये सामान्य, मान लीजिए धरती में भी जितनी सामान्य आनंद है, उसके अंदर भी हम लोग कितना अनुभव कर पा रहे हैं? बहुत सामान्य है। ये सामान्य सामान्य लेके हम लोग फंस जाते हैं। आप सोचो जो अनंत में जो जितना आनंद है, वो कितना पाने का संभव है, कितना हम लोग कर पाए, सचमुच प्रयास करें। ये धरती के आनंद, धरती की इसे तलाश, ये सब छोड़ के हम लोग जो अनंत की तरह थोड़ा भी प्रयास करें, कितना अनुभव, कितना आनंद मिलने का संभव है। प्रयास करना ही बहुत अच्छा है। नो वन हैज एवर बीन एबल टू टेल और बी एबल टू नो हिम। हाउ कैन मैन विद हिज लिमिटेड माइंड एंड अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रिहेंड द इन्फिनिट गॉड। भगवान के ये बहुत ही छोटा मन से, ये सीमित मन से, सीमित क्षमता से कोई सचमुच अनुभव कर पाएंगे? नहीं, संभव नहीं है। इसलिए ये साधन सब करने का ये अर्थ है, साधन के माध्यम में उनकी पाना संभव नहीं है, समझने के लिए साधन करना चाहिए, उसके बाद भगवान की कृपा से सचमुच हम लोग जो अनुभव करना उस समय संभव होगा। दैट्स व्हाई द लॉर्ड सेज़ इन द गीता, What need is there for you to know of these details? I alone exist, sustaining the whole universe, my portion of myself. मेरे एक अंश से ये जगत पूरी तरह मैनिफेस्ट होता है, मैं अकेला हूँ। इसीलिए आप ऐसा पूरी तरह इसे विवरण जानने का कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा मेरे ही बारे में समझ लो, सब हो जाएगा तुम्हारा। मैं पोर्शन ऑफ माई सेल्फ, मैन के नॉट कम्प्रीहेंड वॉट देर इज दिस पोर्शन, नॉट टू स्पीक ऑफ द रेस्ट। क्योंकि ये जगत के बारे में भी हम लोग का ज्ञान इतनी सीमित है, इसलिए असीमित जो चार भाग में तीन भाग जो रह गया, उसके बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या जान सकते हैं? कुछ भी नहीं है। इसलिए वो साइंस वाइंस लेके हम नया नया कुछ नियम कानून हम लोग बना रहे हैं, आविष्कार कर रहे हैं, ठीक है, नया नया सब यंत्र इत्यादि ले आया, कितनी स्टार्स है, कितनी प्लैनेट्स है, ये सब हम लोग जान रहे हैं, हम लोग कुछ जानना संभव हो रहा है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारा है, वो आप जो वैज्ञानिक सब अपना मन से बिल्कुल पकड़ नहीं पा रहे हैं, उनके तो बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, क्या समझ भी नहीं पा रहे हैं। व्हाट दे डिस्कवर्ड बाय मीन्स ऑफ अपैरेटस इज नॉट इनफैलिबल। फिर भी वो यंत्र के माध्यम में जो उन्होंने उपलब्ध किया, जो आविष्कार किया, वो समझ पाया, वो भी तो सीमित है, असीमित ने। कल इससे भी अधिक बहुत पावरफुल दूसरा कुछ यंत्र आ गया, दूसरा कुछ विचार आ गया, बोले ये सब गलत है। क्योंकि एक बार तो ऐसे बहुत स्थापित था, सूरज पृथ्वी की चारों तरफ घूम रहा है ऐसा कुछ, लेकिन बहुत बाद में ये आविष्कार हुआ, नहीं धरती सूरज की चारों तरफ घूम रहे हैं, सर्कल कर रहे हैं, ये तो बहुत बाद में हुआ, लेकिन पहले तो उल्टा समझता। इसलिए आप धरती पे जितने भी आप नया नया लेके आओ, समझाओ, लेकिन संपूर्ण रूप से वही रहेगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है। कुछ दिन के बाद दूसरा कुछ आएगा तो ये सब छोड़ देंगे उस समय।
सो 10 साल के पहले जो बताया अभी उसके नया कह रहे हैं। इसलिए ठाकुर ने बताया, माँ इसे मैं आपका ऐसा कुछ जानना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आपका कोई कब संपूर्ण रूप से कोई समझ पाया क्या, लेकिन ये सब आपका भुवन मोहिनी माया से मेरा मुग्ध करो, ताकि मैं आपका चरणों में शुद्धा भक्ति मेरा दे दो, और कुछ में नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं चाहिए जगत में कुछ नहीं जानना चाहता हूँ, लेकिन आप आपका जे भुवन मोहिनी माया से मेरा मुग्ध करो, आपका चरणों में हमेशा मेरा शुद्धा भक्ति रहे, यही तुम आप मेरे आशीर्वाद करो। सो इस जीवन का यही उद्देश्य है, हम सबको मन कैसे भगवान की जो चरण में रहेगा वही हम लोग का उद्देश्य है। जैसे ही उनका जो लोटस फीट में वो चरण में हम लोग मन लग जाए, उसमें संपूर्ण रूप से अब्सॉर्ब हो जाए, लेकिन किसी से डर नहीं है, किसी के बारे में सोचना नहीं है, सिर्फ वो चरण कमल सोच सोचते हम लोग का जीवन अच्छे बिताएगा चला जाएगा, क्योंकि जो उसकी प्राप्त करके कितनी बड़ी दुख इतनी कष्ट भी कुछ भी तुच्छ लगेगा, कुछ भी आप जगत में क्यों पाना मिलना कुछ भी हम लोग का कोई आकर्षण नहीं करा। यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुनापि विचार लेते, गीता में कहा ना महाराज गीता से भी बोल उद्धृत करके बता रहे हैं, जितनी बड़ा दुख भी कुछ नहीं लगेगा एक बार भगवान के चरणों में मन लग जाए, चरण कमल में कुछ भी लगेगा नहीं उसके बाद। लेकिन ऐसा कोई भगवान की प्रति शुद्ध ज्ञान व शुद्ध भक्ति साहस से नहीं होगा, भगवान की कृपा से ही संभव है। अपना कृपा से उन्होंने ज्ञान भी देते हैं भक्ति भी देते हैं, इसीलिए कोई भगवान की प्रति सचमुच शरण ले लेते हैं, भगवान की प्रति कृपालु हो जाते हैं, सब कुछ देते हैं। आप दुनिया भर आप घूम सकते हैं, बहुत जगह तीर्थ भी कर सकते हैं, लेकिन भगवान की कृपा के बिना कुछ भी कर नहीं पाओगे, अंत में भगवान की कृपा बहुत जरूरी है। लेकिन देखिए बाबूश महाराज मतलब क्या है, सबको आत्मा के बारे में ब्रह्म के बारे में सब नहीं जानते थे नहीं है, वो भी बहुत निर्विकल्प समाधि क्या सब कुछ उन्होंने अनुभव किया, लेकिन ठाकुर के सान्निध्य में ठाकुर के ऐसे नज़दीक आने में इतना प्राप्त किया, उसी से वो समझ लिया मेरा इधर उधर कहाँ अपना प्रयास करना क्या करना इतना जरूरत ही नहीं है, ठाकुर के ठीक से पकड़ लूँगा वो मेरे को सब दे देंगे। तो पहले बात देखिए, इसलिए अब लाठू महाराज स्वामी जी आप देखें स्वामी जी का कितना मेहनत करना पड़ा, ठाकुर का अंतिम समय भी वो संदेह कर दिया, अब भी वो बोले वो कौन है मैं विश्वास करूँगा, कितना 3-4 साल की बात बहुत सारा अनुभूतियाँ हो गया था, तब तक निर्विकल्प समाधि भी प्राप्त कर चुके थे, फिर भी ठाकुर का अंतिम समय 1-2 दिन रह के ऐसे सोचा अभी ठाकुर सचमुच बताएंगे अब कौन है मैं विश्वास करूँगा। लेकिन लाटू अनपढ़ आदमी थे, बात भी तो स्वामी जी सारा जगत को हिला दिया अपना बुद्धि से अपना विचार से अपना भाषण से, लेकिन लाटू महाराज अनपढ़ आदमी थे, लेकिन पहले दिन ठाकुर के साथ उनको मुलाकात हुआ ऐसा रोने लगा ठाकुर समझ लिए इस लड़का के अंदर कुछ आध्यात्मिक भाव है। पहला दिन ही उन्होंने ठाकुर के चरणों में खुद का समर्पित किया, अंत तक एक दिन भी एक क्षण भी मन में कुछ भी विचार नहीं आया मैं ठीक जगह आया हूँ नहीं ये मेरा क्या करेंगे, पहले दिन ही उन्हें समझ लिया ये मेरा तो सब कुछ कर देंगे जी। उनका बहुत सहज में बहुत कुछ प्राप्त कर चुके थे, कुछ भी साधन जरूर बहुत किया, लेकिन वो जानते थे सब ठाकुर की कृपा से उनकी मदद से जैसे उन्होंने मार्गदर्शन किया वैसे मैं किया मेरा सब मैं बहुत सहज में सब प्राप्त कर चुके थे, दैट वॉज हिज भाव। सो इसलिए ठाकुर महाराज बता रहे हैं मैं इसलिए सब यहाँ जो आए हुए युवकों साधु होने के लिए अभी कभी कभी बताते मैं इधर उधर जाऊँ उधर जाऊँ तीर्थ में जाऊँ मैं बता रहा हूँ, बच्चा आप कहाँ जाओगे कहाँ घूमोगे, ठाकुर के चरणों में शरण लेके
यहाँ आप उनकी जो राज प्रसार है यहाँ पर रहो, ये महल की बारी अब पड़ा रहो, कुछ भी नहीं होगा, जाप कुछ भी जरूरत नहीं है, समय समय पर सब कुछ मिल जाएगा। सचमुच क्या चाहिए, उनका चरणों में शरण लेने का संपूर्ण रूप से। हम सभी वैसे ही है, उनकी शरण लिए, शरणार्थी है, इसलिए कृपा करके इतना दिए भगवान ठाकुर दिए, फिर भी देते रहते हैं, फिर भी हर दिशा में हम लोग का परिपूर्ण करते हैं। लेकिन ये भी मैं आप सबको प्रार्थना करता हूँ, आप सबको भी ज्ञान और भक्ति ठाकुर प्रदान करें। आप आँख बंद करके दो हाथ उठा के एकदम उन्होंने आशीर्वाद किया, वही मेरा वही ऊपर दिखा रहे हैं, वही मेरा वही धाम है, वही धाम से जाके वही वापस नहीं आते हैं। तो शरीर छोड़ने की बात करते हैं, उसके बाद कैसे होगा, ऐसे महाराज बोल रहे थे। फिर यहाँ फिर दो तीन महीने के बाद 10 जुलाई 1930 तीन चार दिन बहुत बारिश बरसात हो रहा था, फिर ऐसी बात थोड़ा सूरज दिखाई दे रहा था। गुरु पूर्णिमा का दिन बहुत लोग आए थे, बहुत को दीक्षा भी हो गया था उस दिन। शाम को महापुरुषनाथ जी अपना कक्ष में एक घर पे एक चेयर पे बैठे थे, बहुत भक्त लोग प्रणाम किए आके, और महाराज भी सबके बारे में कुशल प्रसंगादि कर रहे थे, पूछ रहे थे कैसे हो वगैरह वगैरह। तो नया जो दीक्षा लिए थे वो भी आए थे, आके वो बैठे, क्योंकि गुरु के साथ कुछ बात करना, गुरु का संग करना, इसलिए आए थे। कुछ प्रश्न भी पूछना चाहते थे। उसके अंदर दीक्षा थी, नया दीक्षा के अंदर एक पूछा है प्रश्न, महाराज कितना जप करना, कितनी बार करना, ऐसे कोई हर रोज ऐसे कोई विधि नियम है क्या? महाराज बोल रहे हैं नहीं, ऐसे कोई जबरदस्त कोई नियम कुछ नहीं है, जितनी करोगे उतना ही आपका अच्छा लगेगा, जितना संभव करो, जितना संभव करो। कोई ही दिन में 5,000-10,000 जप करना चाहते हो तो बहुत ही भक्ति से कर सकते हैं, कितना किया संख्या रखने में तो अच्छा भी लगेगा, मैं इतना कर पाया अंदर ही अंदर, ऐसा संख्या रख के भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे भी करना ठीक है। एक वक्त बोला मैं चलते चलते भगवान के नाम लेना चाहता हूँ, इसे क्या ठीक है, करूँगा? मैंने बोला हाँ जरूर जरूर करो ना, जपा भगवान के नाम लेना, आप जहाँ भी आप करना चाहते हो, जब भी करना चाहते हो जरूर करो, हर जगह पे हर परिसर पे आप भगवान के नाम ले सकते हो, कहाँ भी कोई निषिद्ध कुछ भी नहीं है। जपा इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू टाइम एंड प्लेस, काल देश में सीमित नहीं है जप, लेकिन भगवान के नाम बहुत भक्ति के साथ करना है, तब आप से आनंद और शांति हृदय में अनुभव कर पाओगे। क्योंकि कई लोग बहुत संख्या रखते हैं लेकिन उसके अंदर इतनी गहराई भक्ति नहीं है, भक्ति से करो तब हृदय में शांति और आनंद अनुभव कर पाओगे। Whenever there is a genuine desire from within, one can do japa for 10 minutes, half an hour, an hour or more. So, अंदर मन ही मन जप करना इच्छा होता है, करो 10 मिनट के लिए करो, आधा घंटे के लिए करो, एक घंटा के लिए करो, ज़्यादा भी करो, जब भी मन करता है जप करने के लिए करो ना, कोई विधि नियम कुछ नहीं है, कर सकते हो हाँ। लेकिन ज़बरदस्ती मत करो, ज़बरदस्ती करने में कोई अच्छा नहीं होगा, क्योंकि कोई ना करना ही है करना ही है, ये करते समय आप मन से भक्ति और आनंद से करना चाहिए, क्योंकि एक प्यार की संपर्क है भगवान के साथ, भक्त की क्या संपर्क है, एक प्रेम का प्यार का संपर्क है, इसलिए कोई ज़बरदस्ती कुछ नहीं है। इसलिए आप बहुत ही अंदर से व्याकुलता से प्रार्थना करो, ठाकुर अपना कर लो मेरे को, मेरा तो ऐसे कोई, मैं तो साधनहीन भक्तिहीन ज्ञानहीन, मैं तो आपके साथ कैसी प्यार के संपर्क रखना वो भी नहीं जानता हूँ, इसलिए आप
थोड़ा मेरा खींच के आपके नज़दीक ले लो, मेरा आप ऐसी कोई शिक्षा दो कैसे आपके साथ एक प्यार का संपर्क में बन पाऊँगा। सिपड़े सब भगवान के ऊपर छोड़ दो, तुम्हारा जो नहीं हो रहा है आप इतना भक्ति से नहीं कर पा रहे, भगवान के साथ आके बोलो, शिकायत करो, ठाकुर मेरा ऐसा मन कर दो मैं भक्ति से आपका नाम ले पाऊँगा, मैं तो चाहता हूँ लेकिन मेरा नहीं हो रहा है, मेरा तो ज्ञान भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, भक्ति भी नहीं है, आप सब प्रदान करके मेरा लायक बना लो, ऐसी शिक्षा दो ताकि मैं आपका प्यार से पुकारना मेरा संभव होगा। महाशय बता रहे हैं मैं किसी को प्राणायाम करने के नहीं बताता हूँ, प्राणायाम की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई लोग ऐसे प्राणायाम वगैरह करने के लिए कोई गुरु का नज़दीक रहना चाहिए। एक भक्त करें आप तो एक प्रबंध लिखा था प्राणायाम के बारे में, देन आप उसमें अंदर लिखा भगवान के नाम लेते लेते ऐसे कुंभक हो जाता है। महापुरुष बताए हाँ, ठाकुर भी बताते हैं आपको इतने गहराई से आप डूब जाओ आपसे आप कुंभक हो जाएगा, लेकिन प्राणायाम वगैरह में क्या आता है जबरदस्ती रोकते हैं, उसमें क्या है आपकी जबरदस्ती रोकने की जरूरत, मन ऐसे स्थिर हो जाएगा, प्राण की संचालन भी कुछ समय के लिए स्तंभित हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, इसकी जो कुंभक कहते हैं वो बह जाता है। हाँ वैसे होता है, भगवान के नाम ऐसी भक्ति से आप करोगे धीरे धीरे मन शांत हो जाता है, देन आपसे आप कुंभक हो जाता है, स्पॉन्टेनियस कंट्रोल ऑफ द ब्रेथ। इफ यू विश कैन होल्ड योर ब्रेथ वेल डूइंग जपा, आप चाहते हो तो आप जप करते समय आपके जो श्वास प्रश्वास बंद हो जाएगा, लेकिन इट्स ऑल नॉट एट ऑल नेसेसरी, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट सस्पेंड द ब्रेथ एंड डू थिंग्स ऑफ दैट काइंड एज मेंशन इन द राजयोग। राजयोग में जैसे बचाए ना आप अनुलोम विलोम करो, प्राणायाम करो, इससे भी कुछ भी जरूरत नहीं है, चाहे भगवान के प्रति सच्चाई से भक्ति, भगवान तो स्वयं सत्य स्वरूप है, अंतर्यामी है, सबको हृदय में चैतन्य स्वरूप रहते हैं, वो जानते हैं, लेकिन वो करुणा सागर है, उनकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं बेटा। यू मे प्रैक्टिस जपा मेडिटेशन प्राणायाम रिचुअल सेरेमोनियल्स और सिमिलर थिंग्स, नथिंग विल हेल्प यू अनलेस यू हैव ग्रेस। जितने भी करो, प्राणायाम करो, जप करो, तप करो, साधन करो, जो भी करो, भगवान कृपा के बिना कुछ भी नहीं होगा, यही सत्य है। कोई भगवान के सचमुच पाना चाहते हैं, भगवान को खुद बहुत सहज से खुद का रिवील करते हैं, ऐसे कोई पकड़ देते हैं। कोई बातें हैं, शैल वी प्रैक्टिस संध्या एंड रिपीट द गायत्री मंत्र, संध्या और गायत्री के बारे में पूछ रहे हैं, महापुरुष बता रहे हैं साधारण एक संध्या गायत्री वगैरह ये जो वेद में जो कहा गया वो सब कोई रिचुअल्स के अनुसार करते हैं, ये सब जन साधारण रूप से ये तो होके ठीक है, लेकिन आपका संध्या वगैरह नियमित रूप से समय पे करना कठिन हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, छोड़ सकते हैं, लेकिन गायत्री मंत्र जप करो। गायत्री मंत्र बहुत ही एक उच्च मंत्र है, आपका आध्यात्मिक जीवन में बहुत सहायता करेगा, इसलिए गायत्री मत छोड़ना, संध्या करना संभव नहीं तो नहीं करो, लेकिन जरूर गायत्री मंत्र आप जप करो। इट्स अ प्रेयर द प्रिमोरियल बींग हु प्रोड्यूस द थ्री वर्ल्ड्स ऑफ भू भुव स्व ही मे गिव अस राइट अंडरस्टैंडिंग, भूर्भुव स्व सत्यवितिर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सो दैट अवेकनिंग ऑफ द धी आर द इंट्यूटिव intellect, that's the prayer to Gayatri, prayer to the sun who is the three worlds, उन्होंने ये भूर्भुवस्व सबको उन्होंने किया, भगवान ने सृष्टि किया, उसके उद्देश्य में ये प्रार्थना है। तो धीरे धीरे सब भक्त लोग यहाँ से घर से निकल गए, एक दो उसी दिन दीक्षा रही थे वो बैठे थे, बाकी लग चले गए, बाकी सब एक वक्त उन मार के साथ कुछ अपना कुछ प्रसंग बात करना था, महापुरुष महाराज
अकेलाते कोई नहीं थे, वही वक्त अकेला था, बाकी बाकी सब चले गए थे। उन्होंने धीरे धीरे बताया उनका मन में क्या है, महाराज मैं तो बहुत बुरा कुछ जीवन में किया, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मेरा आप कृपा करके आपका शिष्य के रूप में ग्रहण करके मेरा कृपा करिए महाराज, ये तो मेरा क्या होगा, मैं तो बहुत डर लगता है, आप भी मेरा ऐसे कोई कृपा नहीं करें, मैं मेरा सब जो जो किया पाप ये जीवन में सब बताए तो आप भी मेरा नहीं लेंगे, आश्रय नहीं लेंगे, तो मेरा जीवन पूरा बर्बाद हो जाएगा, क्या होगा मेरा बाल भी नहीं है, बोल के थोड़ा रुक गए, फिर कुछ बोलने लगे। महाराज बोला बहुत ही गहराई से गंभीर से बोला, बच्चा बिल्कुल डरो मत, इस दिन से तुम संपूर्ण सब पाप से संपूर्ण रूप से तुम मुक्त होगे, विश्वास करो। जब तक ठाकुर जब जिस समय ठाकुर अपना तुमको खींच लिया तो मेरा कोई डरने का कोई कारण नहीं है, आप तो अभी तो तुम ठाकुर का हो गया, उनका हो गया, ठाकुर तो एकदम अहेतु कृपा सिंधु, उनका कोई ही यही नहीं है, जो ऐसे कोई व्यक्ति हैं उनके लिए उनका ज़्यादा प्यार है, ज़्यादा कृपा है, इज रिडीमर ऑफ सोल्स, वो तो उद्धार करता है, सबको उद्धार करने के लिए आए, उनको चरण में तुम शरण लिया, आज से तुमका नया शरीर तुम प्राप्त किया, नया जन्म हुआ आज से समझ लो, तुम अब बिल्कुल खुद का पापी मत समझो, तुम ठाकुर के चरण में शरण लिया, तुम्हारा और कोई ही पाप नहीं है, आज से तुम उनका एक संतान और उनके एक वृत्त हो, चाकर हो भगवान का, समझ लिया। तो ठाकुर तुमको अपना हाथ में ले लिया, उनका सब दूर फूल सब झाड़ दिया, सब ठीक कर दिया, साफ कर दिया तुमका शरीर का, इस समय से सब अतीत में जो किया सब भूल जाओ, बिल्कुल ये सब चिंता बिल्कुल आने मत दो ना, मन में बिल्कुल ऐसा स्थान मत दो, उनका नाम आनंद से भक्ति से बहुत प्यार से लेते रहो, तुम्हारा जीवन देखोगे क्या मधुमय हो जाएगा, बिल्कुल सोचो मत, आज से तुम्हारा नया जीवन। मानी जी इसे बोलना कोई सहज नहीं है, सब बोल भी नहीं सकते हैं, कभी कभी तो ठाकुर महापुरुषमा तो कई बार बोला ठाकुर मेरे की रखा ही कारण से, उनका नाम प्रसार करने के लिए प्रचार करने के लिए जितना संभव मैं जब तक मैं शरीर है तब तक मैं करता रहूँगा, हाँ यही मेरा एकमात्र कर्तव्य है, यही मैं करूँगा। इसलिए महापुरुष महाराज इतने दयालु और कृपालु थे, सबको बता रहे तुम सोचो मत, सब भगवान तुम्हारा सब पाप ले लिया। भक्त बारे अभी तक मेरा मन का मेरा स्वभाव पूरी तरह बदलना संभव नहीं हो रहा है, मेरा सब काम क्रोध आदि बिल्कुल मैं रोक पाऊँ, नियंत्रण में ले पाऊँ, आप मेरा कृपा कीजिए, आशीर्वाद कीजिए। बोले अभी भी मेरा संपूर्ण से कंट्रोल नहीं कर पा रहा, लेकिन आप मेरा कृपा कीजिए। आप कह रहे हैं मैं तो तुमको हमेशा जरूर आशीर्वाद करता हूँ, लेकिन तुमको खुद का भी कुछ करना है, मेरा तो सब संतान आदि है, अभी तो से तुम थोड़ा संयम अभ्यास करो, जीवन का शैली बदलाओ, तुम तो बहुत तो तुम्हारा आनंद आमोद ये सब भोग तो हो गया, अभी बंद करो, लेकिन जबरदस्ती सिर्फ करना नहीं होगा, लेकिन तुमको भी बहुत ही प्रयास करना पड़ेगा, संग्राम करना पड़ेगा खुद के ऊपर, धीरे धीरे देखोगे समय पे ठाकुर तुम्हारा शरीर मन पवित्र कर देंगे, लेकिन तुमको खुद का भी कुछ करना पड़ेगा। महाप्रभु तो बहुत आशीर्वाद किया, बोला ठाकुर साहब तुमको ठीक कर देंगे, आज से तुम्हारा नया जन्म नया शरीर, आज से तुम पवित्र, बोल दिया, लेकिन आज पवित्र में कल तक जो किया सब खत्म है, फिर आज नया करेंगे वो तो लगेगा,
श्री बोला तुमको भी कुछ करना पड़ेगा, भगवान कृपा करेंगे, जबरदस्ती कुछ नहीं होगा, लेकिन अपने हाथ से तुम क्या करोगे देखो। एंड फिर अगस्त 5 तारीख 1903 में फिर कुछ प्रसंग हो रहा है, तो कहाँ कुछ हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया था ढाका में, रामकृष्ण मिशन से कुछ राहत कार्य के लिए सब व्यवस्था हो रहा था, सब पैसे के लिए भी कुछ आवेदन खबरों कागज में दिए थे, महापुरुषनाथ घर पे बहुत लोग आए थे प्रणाम करने के लिए, एक साधु उनके प्रणाम करके बोला महाराज बोल रहे हैं आर यू गेटिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस फॉर रिलीफ, अब क्या राहत कार्य के लिए कुछ कोई चांदा दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, दान दे रहे हैं? साधु ने बोला ना महाराज कुछ नहीं आ रहा है। महाराज बताए नहीं धीरे धीरे आएगा, चिंता मत करो पैसे के लिए, भगवान का काम है वो व्यवस्था करेंगे, पैसा व्यवस्था करेंगे, सब कुछ भगवान ही व्यवस्था करेंगे, सोचो मत। साधु बोल रहे महाराज एक समस्या है, ये सब करते समय खुद का शांत रखना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्या क्या हुआ, सब लोग क्या किया मनुष्य के ऊपर, क्या अत्याचार किया, बहुत ही खुद का संभालना ठीक रखना मुश्किल लगता है सब परिसर में, क्योंकि जब समय जो गए थे कितनी लोग हजार हजार लोग का सिस्टम खतर कर क्या खत्म कर दिया था, तो इसलिए सब कोई जगह पे जाके सब काम किया ना बहुत ही कष्ट लग रहा था। माफ़ी बताए हाँ ठीक बच्चा, देखो हम सबको काम है दूसरे की सेवा करना और सेवा के माध्यम में अपना मन के पवित्र करना। स्वामी जी ने कहा दूसरे की कोई अच्छा करते समय कोई दूसरे की सेवा करना, इसके अर्थ है खुद का ही हम लोग भलाई के लिए खुद का उन्नति के लिए पवित्रता के लिए करते हैं, ये ध्यान रखो। हम सबको जो सेवा का एकमात्र उद्देश्य है खुद का उन्नति, दूसरे की सहायता करके अपना खुद का उन्नति करना, अध्यात्म जीवन में आगे जाना, ये एकमात्र उद्देश्य है। बाहर बहुत कुछ दिक्कतियाँ आ सकती हैं लेकिन हम लोग का बिल्कुल बिना रोके काम करना चाहिए, करते रहेंगे हम लोग सेवा करते रहेंगे, आत्मनिर्मोक्षार्थम जगत हिताय च, ये तो हम सबका जीवन के आदर्श है स्वामी जी ने बताया। इसलिए आपका बहुत ही उच्च आदर्श ऐसे कोई दृष्टि से नज़र से काम करना पड़ेगा, जैसे आपके आदर्श बहुत ही सुंदर हैं इसलिए आपका हृदय भी बहुत बड़ा होना चाहिए, क्योंकि उसमें जाके इसके दो उसके नहीं दे रहा हूँ, मुस्लिम्स के नहीं दे रहा हूँ, हिंदू के दे रहा हूँ, ऐसे सब करना नहीं। उस समय आपको जब उदार हृदय से सबको सेवा करना सबको सहायता करना यही जरूरत है, यही ध्यान रखो। क्योंकि मैं तो ये सब जो दंगा वगैरह इसके पीछे भी जो मैं देख रहा हूँ माँ की जो हाथ देख रहा हूँ, क्योंकि आप उनकी इच्छा से ये सब हो रहा है, ये सब होना भी था और इस सब को अंत में कोई अच्छा से परिवर्तित होगा ही होगा, क्योंकि भगवान उसकी डिटेल्स में इस समय क्यों हुआ, इतने लोग मर गए, इतना अनाथ हो गए, इतने के घर मकान सब चला गया, साधारण दृष्टि में हम लोग देखेंगे बहुत ही खतरनाक है, बहुत बुरा हुआ, लेकिन जिन लोग भगवान के प्रति संपूर्ण समर्पित जीवन है महापुरुष की तरह, वो सब देखेंगे ये सब भगवान की लीला है, वो क्यों करा रहे हैं अभी हम लोग मालूम नहीं है, लेकिन सब अंत में कोई अच्छा से ही परिणाम परिवर्तन होगा, ये वो महाराज विश्वास करते थे। क्योंकि महाराज बता रहे हैं ये सब की क्या होगा, हिंदुओं के मध्य एक एकाग्रता, उनके मध्य एक इकट्ठा होने का, परस्पर सहायता करने का ये भाव आएगा, ये धीरे धीरे एक संगठित रूप में खुद का एक व्यवस्था करने के लिए सीख लेंगे, धीरे धीरे एक दूसरे के प्रति एक भाव एक सोच विचार भी आएगा। लेकिन सब क्यों होता था, हम सबको अंदर भी इतने भाग विभाग था, एक दूसरे के प्रति अच्छा नज़र नहीं रखते थे, सो अभी इस सब के माध्यम में एक दूसरे के एक अनुभव करना सहायता करना ये सब भाव आएगा, इसलिए भरे हैं यूनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड फेलो फीलिंग इज वेरी मच नीडेड दिस ईयर।
सब परस्पर प्रति एक सद्भाव संगठित संगठक रूप में काम करना, ये सब बहुत जरूरी है। Above everything else, the Hindus should organize and have unity amongst ourselves. हमें तो बहुत ही जो मतांतर जो कन्वर्शन वगैरह बहुत हर जगह पे बात करते हैं, कारण क्या है? हिंदू कहीं उनकी बुराई व्यवहार से हो रहा है, दलितों के प्रति जो नीच जाति के प्रति जैसे हम लोग व्यवहार करते थे अभी भी कर रहे हैं। आप गांव गांव में जाके देखिए, बिहार में उत्तर प्रदेश में अंतर जो बहुत ही इंटीरियर तमिलनाडु में बा कर्नाटक में सब जगह भी जाओ, केरला में इतनी अभी भी जातवाद की बात है। आप नीच जाति के प्रति इतनी आप अत्याचार कर रहे हैं, क्यों दूसरी धर्म में क्यों धर्मांतरकरण क्यों नहीं होगा? इसलिए महाराज उस समय कहा, हिंदुओं के परस्पर प्रति एक ऐसे एक सद्भावना है, संगठित होकर रहना, परस्पर प्रति सद्भाव यूनिटी, ये सब बहुत जरूरत है। विल लेथार्जी एंड नैरोनेस ऑफ सच ए लॉन्ग ड्यूरेशन कम टू एन एंड अनलेस इज प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड। इतनी दिन हम लोग सुए होते हैं, किसी के प्रति नजर नहीं देते थे, सब क्या बाहर से जोर धक्कन आया तब ठीक होगा। Have faith that all this is happening because of the will of the माँ की इच्छा से सब हो रहा है। जरूर तुम विश्वास रखो, आप देखोगे इससे हिंदुओं के बीच में भी एक सद्भावना पैदा होगा, जिंदो जाति इससे एक उन्नत होगा, उन्नति प्राप्त करेगी, ऐसे सब विश्वास करो। हम लोग के अंदर सारा देश में एक नया जागरण भी आएगा, क्योंकि ऐसे कोई इकट्ठा रहना, सद्भावना से रहना, ये हार्मनी ऑफ रिलीजन जो परस्पर धर्म के प्रति सद्भावना जो ठाकुर जो सिखाया कूद दिया अपना जीवन से, वही उसकी प्रभाव धीरे धीरे होगा ही होगा। हिंदू से प्रॉस्पर इन एवरी वे बिकॉज श्रीनाक्षण स्वामी जी वेर बॉर्न अमिस्त। हिंदू के बीच में तो ठाकुर के भी जन्म हुआ, स्वामी जी का भी जन्म हुआ, इसी से हिंदुओं का धीरे धीरे जब उन्नति अनुभव करेंगे, लेकिन अभी सबको जागृत होके इकट्ठा होना, परस्पर सहायता करना, ये सब सीखना चाहिए। इस सब भाव से ही ये जाति का उन्नति संभव है। कहा हम लोग, बाकी हम लोग अगले दिन आगे ले चलेंगे चर्चा। श्री महापुरुष महाराज की बातों के अंदर आप देखेंगे जीवन का बस बहुत एक प्रासंगिक वार्ता, एक कथोपकथन बहुत सुंदर, ताकि हम लोग का जीवन का एक अच्छा समझ पाएंगे। बहुत सिंपल साधारण बातें इसी से उन्होंने अंदर ढंग से समझाया, लेकिन महापुरुष में यही कहते थे साहब हमेशा भगवान के चरणों में समर्पित जीवन आप जियो, कुछ भी तुम्हारा समस्या नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, ये बताते थे। ओम श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।